नाज़रीन, अफगान मुजाहिदीन की 100% फतह, वादी पंचेर से बड़ा ऐलान हो गया। खुद को लीडर लीडर कहने वाला अपना सूबा छोड़कर फरार। तालिबान की दबंग एंट्री होते ही अमरुल्ला साले के पीछे पीछे अहमद मसूद ने भी फरार होने को गनीमत जाना। तालिबान की पेशकदमी के बाद अब मैदान जंग में बड़ी खबर आ गई। बागियों के साथ जंग के दौरान वादी पंचेर से तालिबान कमांडर का फातिहाना पैगाम, अहमद मसूद की बकिया ज़िंदगी अब दरबदर गुजरेगी। अहम तरीन कमांडर और गवर्नर के मारे जाते ही तालिबान को धमकियां देने वाले पंचेर से त्यारा भरकर मफरूर हो गए। किस मुल्क गए और इनमें कौन कौन सी शख्सियत शामिल है, अब तक की बड़ी फातह खबर आ गई। अफगान मुजाहिदीन की ज़बरदस्त जंगी हिकमत अमली फिर से काम कर गई। 3 अहम तरीन पहाड़ और 11 दिफाई चौकियाँ अफगान मुजाहिदीन के कब्जे में, 4 असला और दारुलहुकूमत भी हाथ से गया। एक बार फिर से भारतीय असला माले गनीमत बन गया। तालिबान कामयाबी से सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर फिजाई हमले की तैयारियां मुकम्मल। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि इस वक्त पंचेर में कौन सी शख्सियात बाकी मौजूद हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान की वादी पंचेर में तालिबान और अहमद मसूद की हामी फोर्सेज के दरमियान कब्जे के लिए लड़ाई तेज हो गई है और ये सूबा इस वक्त किसी आलमी जंग का मंजर पेश कर रहा है। इतलात के मुताबिक दोनों जानिब से एक दूसरे का भारी जानी नुकसान करने के दावे किए गए हैं और तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अब पंचेर को फतह करने के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है और अब किसी भी कीमत इसे फतह किया जाएगा। लेकिन पंचेर की जानिब से इसकी तरदीद की जा रही है। ज़मीनी सूरत हाल को देख कर फतह तालिबान की झोली में गिरने वाली है और अब मौसूल होने वाली खबर के बाद इसमें कोई भी दो राय नहीं कि अब पंचेर तालिबान की मलकियत में आने वाला है और ऐसा पैगाम किसी भी वक्त वहां से जारी किया जा सकता है। नाज़रीन, तालिबान की ताकत के बारे में कोई दो राय नहीं और ये वही मुजाहिदीन हैं जिन्होंने पूरे अफगानिस्तान को गैर मुतवक्के वक्त में फतह करके दुनिया के सामने अपना सिक्का मनवाया। पंचेर के हालात यकसर तब्दील हो चुके हैं और वहाँ से आने वाली खबरें ये बता रही हैं कि जिन्होंने इस वादी को जंग की आग में धकेला, खुद अपनी जानें बचाकर यहाँ से भाग रहे हैं। खबर है कि पंचेर में तालिबान मुखालिफ सख्त गिर अफगान रहनुमा अहमद मसूद ने तालिबान की रात गए पेशकदमी के बाद अपने साथियों समेत यहाँ से कूच करने का फैसला किया है और इसकी तस्दीक अफगान मीडिया की जानिब से भी कर दी गई है। अहमद मसूद वादी पंचेर का वो मोहरा था जिन्होंने तालिबान के साथ जंग में पूरी वादी को धकेल दिया और मुज़ाकरात में नाकामी का सबब भी बने। जब दोनों फ्रीकैन के माबैन मुज़ाकरात का दौर मुनक़िद किया जाता रहा, तब तब अहमद मसूद की जानिब से कुछ ऐसी शराइत बीच में रखी गई जिसकी वजह से पंचेर आग की लपेट में आ गया। ताहाल तालिबान इस मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने का इरादा रखते हैं। अहमद मसूद की बात की जाए तो ये वही गद्दार है जिसने भारत और अमरीका से मदद मांगकर तालिबान के खिलाफ जंग जारी रखने का फैसला किया और पाकिस्तान को भी तनकीद का निशाना बनाता रहा। नाज़रीन, जैसे ही अमरुल्ला साले ने यहाँ से भागने का फैसला किया तो अहमद मसूद ने पहले सरेंडर करने की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। अहमद मसूद ने अमरीकी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से तालिबान के आगे अपने मुतालबात रख दिए हैं और ख्याल रहे कि ये मुतालबात गुज़िश्ता बार से कदरे मुख्तलिफ हैं। पंचेर में कौमी मुज़ाहमती फ्रंट अफगानिस्तान के रहनुमा अहमद मसूद ने कहा था कि तालिबान को अफगानिस्तान के तमाम नस्ली ग्रोहों पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की सूरत में ही तस्लीम किया जाएगा। एक अमरीकी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में साबिक जहादी कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने कहा कि हम मुज़ाकरात के हक़ में हैं, ताहम तालिबान के साथ अभी मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं हो सकी। अहमद मसूद ने इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा कि तालिबान के साथ समाजी इंसाफ, मसावात, हकूक आज़ादी और जमहूरियत के तहफ़ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं और अगर जारियत का सामना करना पड़ा तो अपनी ज़मीन, अवाम, लोगों की तहफ़ के लिए हम मुज़ाहमत करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से तालिबान तब्दील नहीं हुए, वो अब भी मुल्क में बरतरी चाहते हैं। हम सियासी कुव्वत के ज़रिए अक्सरियत पर बरतरी, अदम बर्दाश्त और दबाव के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। कसीरुल सकाफ़ती रियासत पर तालिबान को हुक्मरानी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर तालिबान ऐसा करेंगे तो हम मुज़ाहमत करेंगे। अहमद मसूद ने कहा कि हमें तवील मुद्दत तक मुज़ाहमत जारी रखने के लिए मदद की ज़रूरत होगी। अहमद मसूद ने कहा कि तालिबान ने हुकूमत की कमजोरी की वजह से मुल्क पर कंट्रोल हासिल किया। अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान से लड़ने वाली फौज को ख़त्म कर दिया। गनी और हमदुल्ला मुहिब की फौज के फैसला साजी के अमल में मुदाखलत ने अफवाज को कमज़ोर किया। ये दोनों फौजी तरबियत और तजर्बा ना होने के बावजूद जंग से मुतल्लिक हतमी फैसले करते रहे थे। अफगान मुजाहिदीन जंगजू वादी पंचेर का मुहासरा कर चुके हैं। गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से इस नाकाबले तस्खीर वादी में सोवियत जंग के हीरो अहमद शाह मसूद के बेटे के अलावा वो अफगान फौजी भी मौजूद हैं जो सकूत काबुल के बाद तालिबान के खिलाफ मुजाहमत के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, हिंदू कश पहाड़ी सिलसिले में वाकई वादी पंचेर चारों जानिब से पहाड़ों में घिरी हुई है, जबकि इसमें दाखिल होने के लिए एक ही रास्ता है जो इंतहाई तंग है। यही वजह है कि इस वादी का दिफा इंतहाई आसान है। अफगानिस्तान का ये वाहिद इलाका है जहाँ अभी तक
तालिबान की अमलदारी मुमकिन नहीं हो सकी। ताहम तालिबान इस तारीखी वादी का मुहासरा किए हुए हैं और मुज़ाकरात से इस तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। इस वादी में ना सिर्फ सोवियत जंग के हीरो अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद की मलेशिया डेरे डाले हुए हैं, बल्कि सकूत काबुल के बाद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के दर्जनों कमांडर भी तालिबान के खिलाफ मुज़ाहमत के लिए वहाँ पहुँचे हैं। ये फोर्सेज तरबियत जारी रखे हुए हैं और पुरअज़्म हैं कि इस मरतबा भी उन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। इस मरकजी मुज़ाहमती इतिहाद का कहना है कि उनके फाइटर्स जंग के लिए हम वक्त तैयार हैं। बरतानिया से तालीम याफ्ता अहमद मसूद ने सकूत काबुल के बाद इस शोरश ज़दा मुल्क में जमहूरी निज़ाम के खिलाफ सरगर्म इंतहा पसंद तालिबान का मुकाबला करने की खातिर अमरीका से असलाह भी तलब किया है। 32 साल अहमद मसूद का दावा है कि उनके पास फोर्स है लेकिन असला नहीं। माजूल नायब सदर अमरुल्ला साले भी इस वादी में मौजूद हैं, जो आखिरी दम तक तालिबान को मुज़ाहमत दिखाने के लिए पुरअज़्म हैं। अस्करी माहरीन का यह कहना है कि नाकाबिले तस्खीर वादी पंजशीर में मौजूद फाइटर्स तालिबान का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि मुहासरे की वजह से बहुत जल्द ही उनके पास खुराक और असला ख़त्म हो जाएगा। साथ ही ये अमर भी अहम है कि इस मरतबा तालिबान के पास अमरीकी इतिहादी फोर्सेज का वो भारी जंगी साजो सामान भी मौजूद है जो उन्होंने काबुल पर कब्ज़े के बाद हासिल कर लिया है। इस भारी गोला बारूद से वादी में दाखिल हुए बगैर इसको तबाह करने की सलाहियत भी रखते हैं। गुज़िश्ता शब से सोशल मीडिया पर वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिनमें काबुल में शदीद हवाई फायरिंग की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये फायरिंग पंजशीर पर तालिबान कब्जे की खुशी में की जा रही है, ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। अलबत्ता जलील मुजाहिद की ट्वीट के बाद वाजह है कि तालिबान को हवाई फायरिंग करने से मना किया गया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद साबिक सरकारी हुकाम और उनके बैन अल-अक़वामी शराकत दारों के डिजिटल ट्रेल के हवाले से खदशात बढ़ रहे हैं और ऐसे में गूगल ने अफगान हुकूमत के नामालूम तादाद में ईमेल अकाउंट बंद कर दिए हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका की हिमायत याफ्ता हुकूमत के तालिबान के हाथों खात्मे के हफ्तों के बाद सामने आने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से बायोमेट्रिक और पेरोल डेटाबेस को नए हुक्मरान अपने दुश्मनों का शिकार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जुमे को एक बयान में गूगल अल्फाबेट इंक्रोपेटेड ने कहा कि कंपनी अफगानिस्तान की सूरतहाल पर नज़र रखे हुए है, लेकिन इस खबर की तस्दीक नहीं की कि अफगान हुकूमत के ईमेल अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। साबिक अफगान हुकूमत के अहदेदार ने बरतानवी खबर इदारे रॉयटर्स को बताया कि तालिबान साबिक हुकाम की ईमेल तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने गुज़िश्ता माह कहा था कि वो इस वजारत के सर्वर पर मौजूद डाटा को महफूज करें जिसके लिए वो काम करते थे। उनके बकौल, अगर मैं ऐसा करता हूं तो साबिक वजारत के डाटा और सरकारी मवासलात तक रसाई हासिल कर लेंगे। सिक्योरिटी के खतरे के पेश नज़र नाम जाहिर न करने की शर्त पर वजीर ने बताया कि उन्होंने तालिबान के इस हुक्म की तावील नहीं की और अब वो रूपोश हैं। अवामी तौर पर दस्तयाब मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड से पता चलता है कि तकरीबन 2 दर्जन अफगान हुकूमती इदारों ने सरकारी ईमेल्स के लिए गूगल सर्वर का इस्तेमाल किया, जिनमें वजारत खजाना, वजारत सनत, आला तालीम और मादनियात की वजारत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने गुज़िश्ता माह कहा था कि वो इस वजारत के सर्वर पर मौजूद डाटा को महफूज करें जिसके लिए वो काम करते थे। उनके बकौल, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो साबिक वजारत के डाटा और सरकारी मवासलात तक रसाई हासिल कर लेंगे। सिक्योरिटी के खतरे के पेश नज़र नाम जाहिर न करने की शर्त पर वजीर ने बताया कि उन्होंने तालिबान के इस हुक्म की तावील नहीं की और अब वो रूपोश हैं। अवामी तौर पर दस्तयाब मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड से पता चलता है कि तकरीबन 2 दर्जन अफगान हुकूमती इदारों ने सरकारी ईमेल के लिए गूगल सर्वर का इस्तेमाल किया, जिनमें वजारत खजाना, वजारत सनत, आला तालीम और मादनियात की वजारत भी शामिल है। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।